हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आप थंबनेल से पहचाने गए होंगे कि आज मेरे पास जो है सूखे गोले, जो कि हैं वेट में आप देख सकते हैं भाई, ये गोले हैं। इन्हें देख लो, गोले कितने हैं। हाथ डाले, दिखाचो हाथ डाले, छोड़ दे वहाँ से, छोड़ दो उसे भाई। ये है 4 किलो 80 ग्राम। तो ये 4 किलो 80 ग्राम गोले हैं ये। तो अभी इन्हें घिसते हैं, घिसने के बाद देखते हैं कितने निकलते हैं। 4 किलो 80 ग्राम ये मैंने वेट कर लिया है। अब इसके बाद देखते हैं, इसको जब हम घिसेंगे तो घिसने के बाद में कितना बरूदा निकलता है इसके अंदर, वो भी मैं आपको वेट करके दिखाऊंगा। ये कुछ अलग तरीके की वीडियो मैं लेकर आया हूँ। मेरा इस चैनल का उद्देश्य ये है कि मेन इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ, जो कि मैं सेम इन्फॉर्मेशन वीडियो किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो को आपके सामने लेकर आऊँ, जो कि आज मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं कि कितना बरूदा उसके अंदर से निकलता है, क्या उसमें कुछ कमी आएगी, वो तो मुझे भी नहीं पता। मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग चीज़ है कि मतलब घिसने के बाद में कितना वेट दोनों में कंपेयर करने के बाद निकलेगा। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये गोले अभी वेट करा के लेकर आए हैं, जो कि मैं इसके अंदर इन्हें डाल रहा हूँ सबको। तो ये गोले आपके सामने सारे आ गए हैं। तो अब देखते हैं इन गोलों को, मैं भी मेहनत लगाता हूँ अपनी कितना। ये मेरे मैंने दोस्त लोग लगा रखे हैं अपने, तो भाई बहुत ही मेहनती लोग हैं। आर्यन है, ये वीडियो में आपको मोस्टली दिखते होंगे, और ये हैं प्रिंस हमारा भाई। तो भाई बहुत मेहनती लड़के हैं, इन्होंने खुद ही कहा कि आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कितना गोला निकल इसके 4 किलो 80 ग्राम गोले के अंदर कितना बरूदा निकलता है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। घिसते घिसते 1.5-2 घंटे हो गए हैं भाइयों की मेहनत से, इतना सारा तो ये वैसा माल निकल गया है। इसको भी वेट करेंगे, ऐसा नहीं इसका वेट नहीं करेंगे, इसको भी वेट करके देखते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा तो इन्होंने टेस्ट कर लिया है, आधा खत्म कर दिया है, बट कोई नहीं, मेजरमेंट हो जाएगा। और इसके बाद में फिलहाल अभी इतना सारा और बचा हुआ है ये भाई, अभी थोड़ा सा और रह गया है, लास्ट रह गया है ये, दीपांशु कर रहा है। और ये इतना सारा निकल चुका है ये, और इसका एक्स्ट्रा पार्ट कुछ ये निकला है, और इधर प्रिंस कर रहा है। ये हालत हो गई है ये घिसने में, ये थोड़ा गंदा भी हो गया पूरा यहाँ से, बट भाई मेहनत पूरी चल रही है। थोड़े से रह गए हैं लास्ट, बट नॉट द लीस्ट। जो वेट मैंने बताया था 4 किलो 80 ग्राम, उसके अंदर कितना बरूदा निकलता है गोले का, कुछ गिरावट आती है नहीं आती है, फुल वीडियो में बने रहिएगा। तो आज रात हो गई है ये घिसने के बाद में, मॉर्निंग में मैं इनका वेट करा कराऊंगा, क्योंकि अभी आज है नेक्स्ट डे। और अभी मैंने इस फ्रिज के अंदर ऐसे रख दिया था रात के टाइम में, तो ये क्या हो गया है ना कि बड़ी मुश्किल निकल रहा है इसमें से, मतलब इसे दबा दिया था ना मैंने, तो इसमें से मतलब देखो टाइट हो गया है बहुत, ये मतलब उंगली से ऐसे कुरेदना पड़ रहा है निकाल के, बहुत हार्ड है, पूरी मुश्किल से करके वैसे हो गया, टाइट हो गया पूरा। पन्नी में कर रहा हूँ वेट करने के लिए, तो पूरा टाइट हो गया, बहुत मेहनत लग गई इसमें भी। कैसे हो गया देखो, जैसे कि अभी मैंने चमचे से करा, तो ये होने के बाद इसमें जम गया है ये, अब इसे फिर निकालना पड़ रहा है मार मार के हाथ से, जैसे देखो निकल गया ये देखो ऐसा बन गया ये, तो इसको हाथ से करना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है हाथ से। ये गोले हैं, ये वेट कराया था तब 4 किलो 80 ग्राम था इनका वेट, ये इसके अंदर ये बरूदा निकल गया है ये इसका, और ये इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है ये, और ये देख लो 3 किलो 600 ग्राम ये है। दोस्तों ये दूसरा दिन है आज का, ये हमने मेरे दोस्तों ने मतलब हमने इसको पूरी तरीके से घिस लिया है। घिसने के बाद जो गोला निकला है वो इतना निकला है, घिसने के बाद देख लो आप, इतना सारा घिसने के बाद निकला, और इसका जो कुछ वेस्टेज है वो कुछ वेस्टेज इसके अंदर इतना निकला थोड़ा सा। तो अभी जैसे कि हम इसका रिजल्ट लेकर आए हैं शॉप पर, क्या हुआ कि जो ये पहले जो गोला था ये 4 किलो 80 ग्राम था, 4 किलो 80 ग्राम होने के बाद में अभी मैंने इन दोनों को वेट कराया तो ये 3 किलो 600 ग्राम है
यानी कि करीब करीब 480 ग्राम का अंतर आया है। तो 480 ग्राम का अंतर कैसे आया वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि इतना अंतर कैसे आ गया। शायद ये हो सकता है कि 150-200 ग्राम का अंतर मशीन में भी आ गया हो, क्योंकि मशीन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, यानी कि पहले क्या उसने सेटिंग कर रखी थी अब क्या सेटिंग कर रखी है वो पता नहीं, बट जो अंतर आया है वो पूरा 480 ग्राम का अंतर आया। चलो 200 ग्राम का अंतर हम इसमें से हटा भी लेते हैं तो फिर भी 280 ग्राम का अंतर है, बाकी 80 ग्राम कुछ मैं मान लेता हूँ चलो वेस्टेज हो गई, हमने कुछ खा लिया उसके अंदर से उसकी भी हो सकती है, तो 80 ग्राम वो भी हटा लिया, बट फिर भी 200 ग्राम का अंतर आ रहा है। तो 200 ग्राम का अंतर कैसे आ रहा है वो मुझे समझ में नहीं आया, बट अगर आपके आया तो आप कमेंट में जरूर करना कि ये 4 किलो 80 ग्राम है, मतलब इतना गिरावट जो आई है गिरावट कैसे आई है, तो आप एक बार कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है कि इसमें गिरावट कैसे आई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अभी के लिए नमस्कार।